स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे किया के ब्रांड के बारे में। किया का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में तबाही मचा दी है। तो ये गाड़ी है किया की सेल्टॉस GTX प्लस D-सीरीज दोस्तों। तो ये गाड़ी का हम आज ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो ये गाड़ी के ओनर को ही मैं सीधा बुलाना चाहूँगा। प्रभुनाथ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो इनकी ये गाड़ी है, प्रभुनाथ जी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आप क्या करते बता दिया तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, माय नेम इज़ प्रभुनाथ गुप्ता, आई लिव इन थाने एंड आई एम एसेंशियली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री प्रोफेशनल। लास्ट 16 साल से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हूँ और करंटली बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड OCS सर्विसेज इन मुंबई, सो करंटली आई एम एम्प्लॉयड देयर एंड आई एम प्राउड ओनर ऑफ सेल्टॉस GTX प्लस DCT एंड एन्जॉइंग द राइड। दोस्तों क्रेटा वालों को बुरा लगने वाला है बिकॉज सेल्टॉस सेल्टॉस की ज़्यादा तारीफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको निगेटिव भी पता चलने वाले। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने गाड़ी कब ली थी और कितने किलोमीटर अब तक आपने चला ली है? गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल होने आ रहे हैं। आई बॉट दिस व्हीकल इन अक्टूबर 2020 एंड ऑलमोस्ट अभी 13,000 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इसका जो राइवल है क्रेटा, क्रेटा क्यों नहीं लिया आपने और सेल्टॉस क्यों ली? हाँ, मुझे मतलब जब मैंने क्रेटा को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे वो वाव फीलिंग नहीं आया जो अभी सेकंड जनरेशन क्रेटा है। उसके अगेंस्ट जब मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ा स्पोर्टी लुक दिखा इसमें, प्लस इसकी जो इंटीरियर्स थी इट इज़ मोर ब्लैक एंड एंटायर ब्लैक है, तो उसमें थोड़ा स्पोर्टीनेस आ जाता है एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा में अभी भी वो बीच कलर है विच इज़ टिपिकली कार वाला जो होता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। प्लस इसमें 360 डिग्री कैमरा का जो एक फीचर दिया हुआ है दैट इज़ मच मोर एसेंशियल जो मुझे लगा, जो क्रेटा में नहीं था। ओके, सो ओवरऑल पैकेज में मुझे ये बेटर लगा, फैमिली को भी अच्छा लगा, सो वी चूज दिस व्हीकल। सो दोस्तों देखो, जो रिक्वायरमेंट है ना, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि आपकी रिक्वायरमेंट जानना सीख लीजिए। जो लुक है वो डिपेंड करता है हर एक के ऊपर, वो अलग चीज़ है, लेकिन रिक्वायरमेंट पहचानिए सो दैट आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बाय करेंगे और कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने कौन सी गाड़ी खरीद ली। तो सर मैंने एक पूछूंगा कि सेल्टॉस आपने दिया, लेकिन बाकी कौन सी अदर देन क्रेटा बाकी कोई व्हीकल देखा या फिर यही? नहीं, तो मैंने मैंने कंपेयर किया था, तो आई चेक्ड MG हेक्टर, बट उसका मेरे ख्याल से जो माइलेज है वो सिंगल डिजिट में है। बराबर, प्लस उसमें उस टाइम पे जो मॉडल आया था उसमें बहुत सारे टीथिंग इशूज थे, तो मैंने वो नहीं लिया। प्लस उसमें जो DCT था उसमें देर इज अ इनर्शिया प्रॉब्लम, थोड़ा सा लैग आ जाता है ओके ऑटोमेटिक में, तो वो मुझे पसंद नहीं आया ड्राइव में। हाँ, ये थोड़ा सा पेपी ड्राइव है, एक पिकअप अच्छा मिल जाता है, तो वो मैंने इसके लिए MG हेक्टर नहीं लिया। टाटा हैरियर में उस टाइम पे भी अगेन जो जनरेशन वो जो प्रोडक्शन आया था उसमें भी टीडिंग इश्यूज बहुत सारे थे, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया। एंड इसका ओवरऑल इंटीरियर उससे फार बेटर लगा मुझे, इसके लिए मैंने ये चूज़ किया। और मेरे ख्याल से ये दो गाड़ी उस टाइम पे ऑप्शन था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर ने किस तरह से रिसर्च किया है एंड देन ओनली दे ब्रॉट दिस किया सेल्टॉस फॉर देम। सो आगे है कि देखो, इंडियन का एक ही सवाल रहता है, इवन दो पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो हम इंडियन के मामले में मारुति वाले ने आदत लगा दी है, इतना पीती है गाड़ी, कितना पीती, कितना माइलेज है? मुझे सिटी में ऑन एन एवरेज एक 10 किलोमीटर का मिल जाता है पर लीटर एवरेज, और हाईवे पे मुझे 17 तक मिला हुआ है इन अ नॉर्मल ड्राइव। बट इफ आई कंसिडर एवरेज ऑफ सिटी ड्राइव एंड हाईवे तो मोटा मोटी 13 तक जाता है ये। 13 तक मिल जाता है, 13 इज गुड, नॉट बैड, एंड स्पेशली ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर भी है, अगर सॉफ्ट ड्राइव रखेंगे तो आज और अच्छा माइलेज मिलेगा। ओके, और इसमें ना सर डीजल भी आता है, तो डीजल की तरफ क्यों नहीं है? डीजल में माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है? हाँ, एक्चुअली डीजल में जो इसमें ये आ रहा है, जो गियर आ रहा है, वो टॉक कन्वर्टर आ रहा है, यस, और इसमें DCT था, सो मुझे DCT चाहिए था बिकॉज DCT हैज दैट स्मूदर ट्रांजिशन, एग्जैक्ट, एक इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है, तो मुझे एंड दैट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसलिए मैंने DCT चूज किया ओवर ओवर डीजल। प्लस डीजल में इतना मैंने सुना था कि आगे जाके मेंटेनेंस बढ़ जाता है, और डीजल में थोड़ा वाइब्रेशन और थोड़ा नॉइस जो NVH फैक्टर बोलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, तो ये गाड़ी में NVH इज नेग्लिजिबल, मतलब वंस इफ़ यू गेट इन टू द व्हीकल एंड इफ यू स्टार्ट द इंजन आपको लिटरली कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, नॉट इवन एनी वाइब्रेशन या बाहर का आवाज़ भी नहीं आता है, तो यू फील दैट प्रीमियम ड्राइव और एक लग्जरी फीलिंग आती है व्हेन यू आर इनसाइड। एग्जैक्टली, और दोस्तों DCT बोले तो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, आपको मालूम नहीं होगा तो ये टेक्नोलॉजी है जो आजकल मोस्टली अपना किया और हुंडई यूज़ कर रहा है एज ऑफ नाउ इंडिया में। हाँ, मतलब Volkswagen ग्रुप में भी है, बट वो दे यूज सम अदर टर्मिनोलॉजी, इट्स कॉल्ड DSG, यस, हाँ, बट
मोटा मोटी एट अ फंडामेंटल लेवल दोनों सेम है, सेम है। यूएस में ऑलमोस्ट 90% व्हीकल्स डीसीटी है, बराबर। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर बात करेंगे सर को, और एक्सपीरियंस क्या लगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स बाकी का भी जानेंगे हम। तो चलिए सर अंदर चलते हैं, बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बैठा हूँ सर की गाड़ी चला रहा हूँ, सेल्टॉस GTX प्लस DCT। तो सर ने जैसे बोला कि एनवेश लेवल बहुत बढ़िया मेंटेन किया, तो देखते हैं पहले कि गाड़ी के अंदर कुछ इंजन नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुछ भी नॉइस नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से इनवेश लेवल मेंटेन किया गया है, किया और हुंडई वाले इसमें बहुत माहिर है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं सर के साथ कि ये गाड़ी के बारे में। सर आगे बात करते हैं कि आपको इसके जो पॉजिटिव है क्या लगे, इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है ये गाड़ी में? इसमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है 360 डिग्री कैमरा, जो इसका कैमरा क्वालिटी है और जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं दे आर सुपर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एनी अदर व्हीकल जो मैंने मार्केट में देखे हैं। प्लस इसका जो साउंड सिस्टम है बोस का, इफ यूज्ड विद प्रॉपर सेटिंग्स, प्रॉपर इक्वलाइजर, तो इट्स फंटास्टिक। मतलब जो हाई लेवल 20-20.5 वॉल्यूम के ऊपर जो इसका क्वालिटी है, आवाज बिल्कुल नहीं फटता है, एकदम क्लैरिटी है। एक मिनट सर, इसका बास पंची है, साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट जो मार्केट में मिल रहा है बिकॉज बोस का ब्रांड है। तो दैट इज वन ऑफ माई बेस्ट आई वुड से फीचर ऑफ दिस व्हीकल। और सर आगे बात करते हैं इसका जो किया का है सेल्स एंड सर्विस, तभी नहीं थी कंपनी किया, तब आपके दिमाग में नहीं था कि नई कंपनी है तो सेल्स एंड सर्विस में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके दिमाग में था क्या ऐसा कुछ? हाँ, तो मैंने उस टाइम पे मुझे पता है कि टेक्निकली क्रेटा और किया सेम है, आई मीन इंजन वाइज, व्हीकल वाइज, टेक्निकली एंड मैकेनिकली एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ जो ओवरऑल पैकेज है वो दोनों डिफरेंस है क्रेटा में और किया में। एंड जब मैंने गाड़ी ली तो मैंने मार्केट में चेक किया कि हाउ इज़ द कस्टमर सर्विस ऑफ किया एंड आफ्टर सेल सर्विस, जो मुझे फीडबैक मिला हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड मेरा भी एक्सपीरियंस आफ्टर आई बॉट द व्हीकल इज द सेम, बिकॉज व्हेनेवर आई लॉज एनी कंप्लेंट और एनी क्वेरी विद किया, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है एंड दे पे अटेंशन कि कस्टमर का प्रॉब्लम टिल द एंड सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके हाँ, सो जी हाँ दोस्तों, किया वाले ने इतना मेंटेन किया है कि कस्टमर्स सर्विस है ना उनकी बहुत बढ़िया है, राइट। एंड इसमें लेन चेंज इंडिकेटर मिलता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको वाव करा देती है, राइट। प्रीमियम फील होता है नो डाउट, एंड जैसे कि सर ने बताया कि बहुत स्मूथ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सर आगे बात करते हैं, देखो क्रेटा से आप अगर कंपेयर करेंगे तो क्रेटा का सस्पेंशन सॉफ्ट है कंपेयर टू सेल्टॉस, तो वो केस में आपको क्या लगता है कि जो पोर्टहोल्स है वो आपको महसूस होते हैं कंपेयर टू क्रेटा, आपको क्या लगते हैं? अलॉन्ग विद दैट जो हाईवे के ऊपर स्टेबिलिटी है, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है, ब्रेकिंग है, उसके बारे में भी आप बताना चाहोगे तो क्या कहोगे? राइट, तो इसमें एसेंशियली इफ यू चेक क्रेटा का सस्पेंशन तो इट इज मोर ऑफ कार लाइक सस्पेंशन जो क्रेटा में दिया हुआ है, हालांकि गाड़ी इज अ SUV, yes। और किया में उन्होंने टिपिकली जो SUV में सस्पेंशन होते हैं वो सस्पेंशन दिए हैं विच इज ऑन दी हायर साइड, थोड़ा सा स्टिफनेस मिलेगा आपको, yes, yes। बट उसका एक स्पेशली दोनों, मतलब वेदर इट इज अ सॉफ्टवेयर सस्पेंशन और स्टिफर सस्पेंशन, देर आर प्रोज एंड कॉन्स। तो जैसे किया का ये है कि थोड़ा सा राइड क्वालिटी हल्का सा आपको हार्ड फील होगा, बट अगर आप शायद एडिक्वेट टायर प्रेशर मेंटेन करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये मिलता है कि व्हेन यू आर राइडिंग ऑन अ हाईवे और आप हाई स्पीड में हो और टर्न ले रहे हो, तो जो बॉडी रोल होता है टिपिकली वो इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपका गाड़ी टर्न मार रहा है, जो आपको एक टिपिकली कार लाइक सस्पेंशन में होता है। बट इसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल टायर प्रेशर जो लोग कहते हैं यू मेंटेन एट 35, सो आई टिपिकली मेंटेन एट अराउंड 33 व्हिच इज कंफर्टेबल फॉर यू नो अ स्मूदर ड्राइव, तो वो इशू नहीं आता है। ओके, और ये जिसका ब्रेकिंग आपको ठीक लगा गया? ब्रेकिंग इसमें चारों में ये दिया हुआ है, आई मीन चारों में डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आता है, सो देयर इज नो लैग। Exactly. तो वो इशू नहीं आता है, बाइट परफेक्ट है इसका। हाँ, और प्लस इनफैक्ट सस्पेंशन का और एक है कि जैसे जैसे गाड़ी आप यूज करते हो आपकी टायर भी रास्ते को पकड़ लेती है, तो सस्पेंशन धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाता है। ओके, देखो क्रेटा में आपको पैनोरमिक मिलता है, इसमें छोटा सनरूफ मिलता है, करेक्ट। तो इसमें आपको खली महसूस होती है कि नहीं यार? नहीं, एसेंशियली मेरे लिए पैनोरमिक सनरूफ ऐसा कुछ
ये नहीं था, आई मीन रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज सनरूफ इज मोर फॉर किड्स, जो अभी भी जो सनरूफ दिया हुआ है वो बच्चे यूज करते हैं. एंड क्रेटा में मेरे ख्याल से लास्ट 3 फेसलिफ्ट या 3 अपडेट्स हुए हैं जिसमें अभी तक उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ नहीं लाया है. आई थिंक उसका मेन रीजन हो सकता है कि दे फील कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द व्हीकल शायद वो लूज करेंगे, पॉसिबली इसलिए नहीं लाया होगा, या मे बी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस शायद वो नेक्स्ट अपग्रेड में लेके आ जाएंगे. बट मेरे लिए इट वॉज नॉट अ आई मीन सेलिंग फैक्टर कि मुझे पैनोरामिक ही चाहिए. मेरे लिए जो फैक्टर्स थे वो ये गाड़ी में था, इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली. एग्जैक्टली हम लेकिन क्या है ना, अभी एक क्रेज चालू है ना. करेक्ट. पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए. राइट. हम इंडियंस के लिए भले हम यूज करें ना करें. राइट. रियलिटी में लेकिन अपने को चाहिए, ऐसा भी दिमाग में चालू रहता है. तो सर आपने ये गाड़ी हाईवे के ऊपर कितने तक भगाया है? मैं गया हूँ, मतलब मेरे ख्याल से 120 मैंने क्रॉस किया है. बट मुझे बिल्कुल भी उसमें हैंडलिंग ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी वॉबल हो रही है. ओके. गाड़ी रास्ते को पकड़ के चलती है. एंड स्पीड में आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा. स्टेबिलिटी बिल्कुल भी आपके हाथ से जाएगी नहीं. सो उस मामले में देयर इज नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू. एंड इसका टर्बो इंजन है 1.4 लीटर का, जिसकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. एग्जैक्टली 1.4 टर्बो जीडी है एंड वन ऑफ द प्रूवन इंजन है, तो देयर इज नो इशू ऑन द परफॉर्मेंस ऑल्सो. और यही एक में ऐसी कंपनी है ना जो फटक करने सेट हो गई है इंडियन मार्केट. राइट राइट राइट. और उसका रीजन है लुक्स, सर्विस, माइलेज और जो हम इंडियन को चाहिए सारा कुछ फीचर्स, वो सब कुछ देने में किए वाले हैं. लेकिन सर आपने ये भी सुना होगा जो इसका रेटिंग है. हाँ. वो 2.5 ही समथिंग एनकैप रेटिंग आया है. हाँ, इसका एनकैप रेटिंग 3 आया था जब मैंने गाड़ी ली थी. हाँ. उस टाइम पे ही इनका टेस्ट हुआ था. बराबर. तो उस टाइम पे 3 का रेटिंग आया था. तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट आई मीन वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग्स व्हिच किया कैन गेट. आई थिंक देयर इज अ स्कोप जहां पे वो लोग आई थिंक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं. बराबर. जिससे गाड़ी और थोड़ी स्टेबल और थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है. और इसमें 6 एयरबैग्स है ना आपके? इसमें इसमें मेरे ख्याल से 8 एयरबैग्स है. 8 एयरबैग्स है. एग्जैक्टली. सो टॉप, ये टॉप एंड मॉडल है. हां, तो टॉप एंड में आई थिंक उन्होंने 8 दिया हुआ है. 8 एयरबैग्स है. हां, तो व्हिच इज रियली गुड. दोस्तों जो टेस्टिंग की गई है उसके 2 एयरबैग्स थे. ठीक है. और हां, अगर आपको ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत ये स्ट्रेंथ इंप्रूव होना चाहिए, सीट क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, वो तो किया वाला ने इंप्रूव करना ही चाहिए. सर और एक बात है, क्या इसे आप रेकमेंड करेंगे बाकी लोगों के लिए? बिकॉज इट्स नियर अबाउट 22 लाख तक जाएगी ये राइट नाउ अगर हम चेक करेंगे. 22 के ऊपर है, बिकॉज जब मैंने लिया था तो मुझे टोटल ऑन रोड प्राइस एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव पकड़ के कुछ 21 लाख तक गया था ये मॉडल. तो आई थिंक उसके बाद शायद 2 या 3 रिविजन हुए हैं. तो आई थिंक ये 23 के ऊपर चली गई होगी मेरे हिसाब से एज ऑन टुडे. 23, तो आप रेकमेंड करोगे लोगों को? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आई मीन जिसने जितने जितने लोगों ने मेरे गाड़ी में बैठे हैं या एक्सपीरियंस किया है, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई थिंक ये व्हीकल का वेटिंग पीरियड भी मेरे ख्याल से मोर देन 6 मंथ्स है. 6 मंथ्स इजीली गाड़ी मिलती नहीं है. इवन सोनेट भी 6 मंथ का दिया है, वो इजीली देते हैं. और जब मैंने लिया तभी उतनी सेल्टॉस मार्केट में नहीं आई थी, बिकॉज उस टाइम पे 2019 में लॉन्च हुई थी, अगस्त 2019 में. यस. और जब मैंने लिया तभी 1 साल ही हुआ था सेल्टॉस को, एंड तभी ये पॉपुलैरिटी पकड़ रही थी मार्केट में. उसके बाद अगर आप आज लास्ट 2 साल में देखोगे, सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द रोड्स यू विल फाइंड सेल्टॉस. हाँ, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है व्हीकल ये. हाँ. बिकॉज लोगों को पसंद आई है. पसंद आई है. एग्जैक्ट. राइट. सर आपको इसमें निगेटिव क्या लगे जो आपको लगता है कि हुंडई वाले क्या किया वाले ने इम्प्रूव करना चाहिए? क्या आपको निगेटिव महसूस हो इसमें? हाँ, निगेटिव मतलब मुझे लगता है एक पॉइंट जो स्ट्रक्चरल रेटिंग जिसको बोलते हैं एनकैप रेटिंग बोलते हैं, आई थिंक वो शायद किया इस व्हीकल में इम्प्रूव कर सकती है. पॉसिबली 4 के ऊपर जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज किया इज अ ग्लोबल ब्रांड एंड यूएस में उनके काफी सारे व्हीकल्स बिक रहे हैं. एंड आई थिंक उस वो जो मॉडल्स हैं उसमें मेरे ख्याल से 5-star रेटिंग है उनका. सो आई थिंक सिमिलर रेटिंग वो लोग या सिमिलर कार वाले स्ट्रेंथ वाले रेटिंग्स वो यहाँ पे आई थिंक ला सकते हैं. दैट इज वन. एंड सेकेंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सस्पेंशन वो लोग थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हैं, मतलब मे बी पॉसिबली बिटवीन अ कार एंड टिपिकल एसयूवी के बीच वाला सस्पेंशन ला सकते हैं. यही था एक क्विक ओनरशिप रिव्यू दोस्तों. सर ने सारा कुछ शेयर किया है आपके साथ. कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको वहाँ भी आंसर किया जाएगा. एंड प्रभुनाथ जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. एंड आपको अगर हम 20-25,000 किलोमीटर होता है तभी भी आपको मिलेंगे. yes, तब भी आप शेयर करना. Absolutely, absolutely. और थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अवर चैनल. माय प्लेजर यार, माय प्लेजर. दोस्तों बस इतना ही था छोटा सा वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, सी यू सून.